नमस्कार, जय जोहार। का हाल है? मैं आज मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं कर्मचारियों के बीच में, उन कर्मचारियों के बीच में जिनका ये कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है लेकिन महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रहे हैं। सरकार जो है 2019 से महंगाई भत्ता रोक के रखी हुई है। तो मैं आज जानने की कोशिश करूँगा कि इसका कितना असर कर्मचारी अधिकारियों पर पड़ रहा है और उन्हें क्यों धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो मेरे साथ हैं कर्मचारी संगठन के अनिल शुक्ला जी। अनिल जी, देख रहे हैं कोविड का काल है, पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, अर्थव्यवस्था पे जो है काफ़ी असर पड़ा है। आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ाइए, कहाँ से बढ़ाएं? देखिए, हम बिल्कुल महंगाई भत्ते की बात नहीं करते। सरकार का ये जो दोहरा मापदंड है, यदि कोविड के कारण से वित्तीय स्थिति यदि खराब है तो इस प्रदेश में यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, इन्होंने निगम मंडलों में अभी थोक के भाव में नियुक्तियाँ किया, उसमें उन सारे लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। सरकार कहती है कि कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन राज्य के लोगों को राजनीतिक नियुक्तियाँ हो रही हैं। और इस प्रदेश में यदि राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं होती, राज्य में मैंने देखा कि ये जहाँ पे भी जाते हैं ये सारे निर्माण कार्य कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रदेश व्यापी दौरा हुआ था विधानसभा सत्र के पहले, और उस विधानसभा सत्र में के पहले उस दौरे में उन्होंने 7,500 करोड़ के विकास कार्यों का घोषणाएं किया। हम कहते तो जरूरी है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास की जो रीढ़ है वो कर्मचारी हैं। यदि ये निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं करते, ये आप वेतन भत्ते, इसी कोरोना काल में इन्होंने विधानसभा सत्र में, पिछले विधानसभा सत्र में कोरोना काल में वेतन मानियों के वेतन भत्ते विधायक बढ़ाए गए, लेकिन हमारे कर्मचारियों के वेतन भत्ते कर्मचारियों के लिए इनके पास में पैसे नहीं है। यदि अपने यहाँ वित्तीय संकट है तो ये राज्य के IAS, IPS और IFS अधिकारियों का, इनका भी वेतन, ये महंगाई भत्ता क्यों नहीं रोक के रखा गया? यदि इनके पास में वित्तीय संकट है तो ये छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन का उपक्रम है, तो इनका महंगाई भत्ता कैसे दिया जा रहा है? ये नहीं दे रहे। हमारा ये कहना है कि हमारे प्रदेश में जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी जो है चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक, इनके महंगाई भत्ते को दिया जाना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और जब ये पीठ थपथपाते हैं, और एक तरफ इनके सुरजेवाला जी ने अभी इनकी पीठ थपथपाया, कहा कि मुख्यमंत्री जी घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के मामले में भूपेश सरकार नंबर वन पे है देश में, और आज घोषणा पत्रों का यदि क्रियान्वयन होता तो हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी और उनके परिवार के आश्रित लोग, ये सारे लोग हड़ताल नहीं करते। मतलब आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आर्थिक की स्थिति अच्छी है लेकिन महंगाई भत्ता रोक के रखी है। मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक की स्थिति अच्छी है लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में, आपको क्या लग रहा है? राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने घोषणा किया है, जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि आप कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हो और सरकार को, प्रदेश के जनता को कर्ज में डुबा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम विकास कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं और उसके बाद जो भी हम कर्ज ले रहे हैं वो हमारी सीमा के अंदर में है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार सार्वजनिक रूप से घोषणा किया कि आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो फिर डीए क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये दोहरी व्यवस्था क्यों है? इन्हीं की कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। 14 जुलाई को जब नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया तो 14 जुलाई को आधे घंटे के अंदर में गहलोत सरकार ने 28% अपने डीए की घोषणा कर दिया। हरियाणा में खट्टर सरकार ने कर दिया, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कर दिया, कर्नाटका में आपके उस समय, अभी तो बोमई सरकार हो गई है, उस समय येदुरप्पा की सरकार थे, उन्होंने घोषणा किया। झारखंड में इनकी कोलिशन गवर्नमेंट है, झारखंड में वो 28% दिया जा रहा है, जबकि झारखंड की आर्थिक स्थिति, झारखंड का स्थापना व्यय हमारे छत्तीसगढ़ के तुलना में बहुत खराब है, लेकिन उसके बाद ही हमारे यहाँ पे नहीं मिल रहा। अपनी जान जोखिम में लगा के लोगों की प्राण रक्षा किया, और कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने इन्हें कहा कि ये कोरोना वॉरियर्स है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने जो कोविड में जो हमारे कर्मचारी दिगंबत हुए उनको उन्होंने पैकेज दिया, बिहार सरकार ने दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दिया कोरोना वॉरियर्स को। कोरोना वॉरियर्स का इवन ये कि एक दिन का वेतन भी काट लिया गया छत्तीसगढ़ राज्य में। और जब मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब कोविड आया 2020 में, तो उन्होंने सहयोग की अपील किया, हमारे राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों ने अपने एक एक दिन का वेतन, 3 महीने वेतन दिया। अच्छा, ये बताइए, सच में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है सर। सच बताइए, बिल्कुल सत्य बता रही, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं। शोषण हो रहा है सर, कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है सर, अधिकारियों का बढ़ गया, कर्मचारी का क्यों? कोरोना में सब अपनी जान, लोग तो नहीं गड़बड़ कर रहे? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी लोग सब सेटिंग होगा सर, और क्या है, हम लोग को उन लोग बेवकूफ समझ रहे हैं। हम लोग कोरोना में जान जोखिम में डाल के एक एक नर्स ने काम किए, क्या मिला सर उनको, बल्कि एक एक दिन का तनख्वाह कटवाए हैं।
हैं, कुछ नहीं। स्वास्थ्य विभाग के लिए तो बिल्कुल उनसे आशा नहीं कर सकते। हमने इतना सबसे अधिक कोई सेंसिटिव डिपार्ट था तो ये स्वास्थ्य विभाग था, उनको महत्व नहीं दिए सर हम लोग। उनके साथ शोषण हो रहा है सर। और सारे जगह 28% डीए दे रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं दे रहे? हमारे प्रांताध्यक्ष रोपी शर्मा है ये। शर्मा जी बड़े पसीने से तरबतर हो रहे हैं। जी जी, उमस ज्यादा है आज। सरकार की भी गर्मी नहीं, सरकार को हम लोग गर्मी देंगे हाँ, ताकि अगले बार वो चुनाव के लिए कर्मचारियों को देने के घोषणा करने के पहले कुछ सोचे कि हम जो घोषणा कर रहे हैं उसको लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सरकार कह रही है हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, सब वर्ग का ख्याल रख रहे हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक का, आप लोग का भी हित करेंगे ऐसा? नहीं, वो उनका कहना है, सरकार सबका हित कर रहे हैं, लेकिन हम कर्मचारी जगत के लिए कोई हित नहीं कर रहा है। कर्मचारी पूरा आक्रोशित है, पूरा प्रदेश के नीचे से लेकर क्लास फोर से लेकर क्लास वन सारे अधिकारी कर्मचारी पुलिस समर्थ सब नाराज हैं। सब नाराज हैं। खुश कौन है? तो खुश केवल सरकार खुश है, केवल सरकार खुश है, क्योंकि उनकी जेबें भर रही है। उनके चमचे खुश है जो सरकार के आगे पीछे चापलूसी कर रहे हैं उन लोग खुश है, जो काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उन लोग बिल्कुल दुखी है। केवल धरना प्रदर्शन, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत क्यों हुई लड़ने की जरूरत? उनको खुद सोचना चाहिए, देना चाहिए। अभी माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि नहीं? इनको ये जरूरत लेके दो, बच्चा का रोएगा पीटेगा चिल्लाएगा तब लेके थोड़ी देते हैं, अपनी समझदारी से देते हैं। अब भूपेश सरकार याद रखे, आखिरी धन्यवाद। अब वो नहीं, अभी बहुत समय है। नहीं, कुछ नहीं होता, अभी समय है, अभी तो 2.5 साल हो रहे, इतनी जल्दी साल है, सवा दो साल है। अभी धन्यवाद कहना ठीक नहीं, अभी धन्यवाद कहना नहीं। अभी कोई नहीं जानता, कोरोना भेद नहीं करता, ये अधिकारी है कि कर्मचारी। इस कारण करें, इसके बाद नहीं आने वाले। सुनिए ना, हम लोग को ना कोरोना से डर नहीं लगता, कोरोना से डर नहीं लगता, लेकिन ये सरकार से डर लगता है। लेकिन एक चीज याद रखे, सरकार कोरोना वायरस भेद नहीं करता, भेद नहीं। कौन सी पिक्चर आई थी दबंग वाली फिल्म? कोरोना कभी भी भेद नहीं करता। ये मुख्यमंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री है कि एक फोर्थ क्लास का कर्मचारी, जब वो आएगा ना तब हम लोग से आशा करेंगे सरकार, कोई तो स्वास्थ्य विभाग वाला है, मुझे ऑक्सीजन लगाए, मुझे इंजेक्शन लगाए। सरकार ने सराहना की है आप लोगों के काम की। सराहना से पेट कहाँ भरता, सराहना से पेट भरता तो काहे लड़ते यहाँ कोरोना कोविड में? प्रोटोकॉल का घर में काम धाम छोड़ के इधर भीड़ में इकट्ठा हुआ इन्फेक्शन लेने के लिए, तो केवल सराहना से पेट नहीं भरता सर, देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। जी देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोविड में इतना काम किए हैं, हमारा पेमेंट काटा गया 2-2 दिन का, और सरकार को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हम अपने बच्चों को छोड़ के कोरोना में 24 घंटा काम किए हैं, और 4-4, 5-5 घंटा पेशेंट के साथ इंटरेक्ट होते थे, मतलब उनको छूते थे, उनको दवाई देते थे। बिल्कुल भी सरकार को कोई वो नहीं है कि इन लोग कैसे स्थिति में काम कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा बीमार भी पड़ गए हैं उसी के कारण ही, 4-4, 5-5 घंटा कोविड में हम लोग रहते थे अंदर में, इतना तकलीफ हो रहा है, उसके बाद भी सरकार हम लोग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। शासन को पुरस्कृत करना चाहिए, मास्क लगा रही है। जी जी, शासन को पुरस्कृत करना चाहिए कि जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग ने है दे रही है, सरकार कहाँ दे रही पुरस्कार? सरकार कोई भी पुरस्कार नहीं दे रही है। क्या पुरस्कार दी है? एक महीने का पेमेंट देना था, एक्स्ट्रा पेमेंट देना था, नहीं दिए हैं, बिल्कुल नहीं दिए। किसी प्रकार जोखिम भत्ता नहीं दिए है कर्मचारी पूरे अपने, यहाँ तक कि जो है शासन की जो संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, सैनिटाइजर मास्क के साथ सारी चीजें, ये सुविधाएं हम लोग 3-3 दिन 4-4 दिन हम अपने स्वयं खरीद के हम लोग पहन रहे हैं, शासन द्वारा उपलब्ध तक नहीं है, हैं? और हम सेवाएं कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की। ये डीए कोई मांग नहीं है, इसके लिए हमको लड़ाई या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ये तो निमित्त आपको 6-6 महीने में बढ़ता है। मोदी जी सुनी बोले कुछ महंगाई नहीं? देखिए, मोदी हमारा सेंटर के, हम लोग राज्य के कर्मचारी हैं, इसलिए राज्य सरकार हमारा बढ़ाती है, और इसमें हड़ताल या आंदोलन करें तो सुने ऐसा नहीं है, तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, जिसको उसको देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, मोदी जी ठीक है महंगाई महंगाई बढ़ रहे तो नहीं? महंगाई तो सर देखिए, महंगाई अपनी जगह पे, उसी तो हम लोग काम कर रहे हैं। आज यदि माल जो है 30 रुपए किलो, यदि टमाटर दिल्ली वाला खा रहा है तो 30 रुपए किलो जो है हम रायपुर वाले भी खा रहे हैं। कौन है इसकी जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार राज्य शासन है, जो यहाँ टमाटर तो वहाँ नहीं जाती दिल्ली बिकने, यहाँ की टमाटर ही बिकती है यहाँ पर। राज्य सरकार कह रही है केंद्र महंगाई के लिए, तो केंद्र में महंगाई अलग चीज है, केंद्र की महंगाई अलग चीज है, और उसकी सफर हम भी कर रहे हैं उस महंगाई को। अच्छा, जरा हाँ क्या बताइए? कोविड-19 को वैश्विक महामारी माना गया है, उनके चलते जो भी अभी अनुकंपा नियुक्ति देनी थी सरकार को, 2 साल बाद प्रारंभ की है। हाँ, तो अभी तो दिए बहुत सारे। हाँ, कहाँ दिए? 700 लोगों को भाई, जब महामारी माना गया। हाँ, तो ये बैठे अनुकंपा नियुक्ति वाले, पहले वाले भी नहीं, अभी वाले नहीं है, जो प्रतिबंध है
पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है, उसमें एक बिंदु है शासकीय कर्मचारी के परिवार को नहीं दिया जाएगा। तो जब वैश्विक महामारी माना गया कोविड 19 को और उसमें जो दिवंगत हुए हैं, तो फिर इनका मतलब क्या निकला? छत्तीसगढ़ राज्य में जो भाजपा सरकार में एक अनुकंपा नियुक्ति के बारे में एक नया नियम बनाया 2013 में, उस नियम में यह लिखा कि यदि उस परिवार में कोई व्यक्ति शासकीय सेवक होगा तो उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। और सितंबर 2018 में लास्ट अनुकंपा नियुक्ति हुई, भूपेश सरकार से हम प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी कहते कहते थक गए कि आप अनुकंपा नियुक्ति में 10% का जो बंधन है तृतीय श्रेणी के पदों पर उसको शिथिल कर दीजिए। सरकार ने 2 साल तक अनुकंपा नियुक्ति को रोक के रखा। आज जब कोविड महामारी में ऐसे ऐसे परिवार सामने आए कि जिनके पिताजी पहले स्वर्गीय हो गए थे और कोविड में उनकी माता भी हो गई, या माता पहले हो गई थी तो पिता भी हो गए, तो जब उनके ऊपर एक पूरा समाज का दबाव पड़ा तो उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में 10% के बंधन को शिथिल किया, ना कि नियमों को शिथिल किया। हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी चाहते हैं कि ये चूंकि कोविड एक महामारी का स्वरूप है तो उसमें आप अनुकंपा निशर्त अनुकंपा नियुक्ति दीजिए उस परिवार को। नहीं दे रही, अभी नहीं दे रही है, अभी नहीं दे रही है। और सरकार के देखिए दोहरे मापदंड है, कहना नहीं चाहिए। सरकार राजनीतिक परिवारों को उनके लिए विशेष नियुक्तियां कर देती है। आपने देखा कि महेंद्र कर्मा जी उनको एक अलग ही केस। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि आप बिना एक तरफ डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं और एक तरफ डिप्टी कलेक्टर के लड़के को चपरासी बनने के लिए आपने 2 साल तक मजबूर किया कि आपको तृतीय श्रेणी में नहीं मिलेगा, चतुर्थ श्रेणी का पद है तो उसमें जाइए, और 2 साल तक आपने उनके 4 लाख से 5 लाख रुपए अपने वेतन के पैसे सरकार डकार गई, और आज अनुकंपा नियुक्ति में शिथिल करके, और वहां पे भी एक चीज है कर दी, यहां नहीं कर रहे। इसमें भी अनुकंपा नियुक्ति में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अनुकंपा नियुक्ति में उन्होंने जो ये प्रोबेशन पीरियड रखा है कि पहले साल 70%, फिर 80%, फिर 90%, एक अभी जो चपरासी के पद पे जाएगा उसको 8,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो बाबू के पद पे जाएगा उसको 12,000 रुपये वेतन मिलेगा। आप ये सोचिए पहले कि जिस परिवार में 45,000 रुपये कमाने वाला 50,000 रुपये कमाने वाला, वेतन विसंगति है? नहीं, वेतन विसंगति नहीं है। ये अनुकंपा नियुक्ति में इन्होंने जो ये जो परीक्षा अवधि का प्रावधान किया है ये गलत है। परीक्षा अवधि का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियम लागू नहीं होते हैं। और वैश्विक महामारी है तो अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। आपकी क्या मांग? बात यही है सर, कोई भी मांग पूरा कर भी नहीं। सालों से हैं लग रहे हैं जी, बहुत सालों से हैं आप। हाँ, मैं 6 महीना बचा सर रिटायर होने के लिए, ऐसा सरकार मैंने कभी नहीं देखा। मिल पाएगा फिर लग रहा है? हाँ, मिल जाएगा हमको, हम तो लेके रहेंगे सर, लेके रहेंगे। 6 महीने में आ जाएगा? 6 महीने क्या, इनको 8 दिन के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो इसको सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। टाइम है, बिल्कुल हमारी ताकत है सर, टाइम है अभी तो, टाइम नहीं है, टाइम तो कर्मचारी बनाते हैं सर। तो आप तो भी 2.5 साल सर, आप लोग देखे हैं शिक्षा कर्मचारी संघ, कौन से विभाग में? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ सर। स्वास्थ्य विभाग में कितने साल से हूँ आप? मैं 40 साल से हूँ। 41 साल? 41 साल से। बहुत लंबा समय रहेगा जी सर। पहले आ गए थे? पहले ही आ गया था। ठीक था अभी? पहले तो सब को सरकार आई, हमको तो एक बार हड़ताल करने में मिल जाता था, ये तो इतना भरा हो गया तो पता नहीं इनके कान सुनता कि नहीं सुनता, भगवान जाने। कई बार करना पड़ता है। पहले हम नया कर्मचारी थे, डीए कब मिलता था पता नहीं चलता था, और आज मांगना पड़ता है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। संकट भी तो ऐसा है? कोई संकट नहीं है सर, कोई संकट नहीं है। अरे हमारे लोगों की भाई, जब आप बेहतर बता, हम लोगों की तनख्वाह 2-2 बार कट गई 2 महीने में, ठीक है, एक एक कार्ड ही, और जिन लोगों के जो है उनको बढ़ावा देते जा रहे हैं, हमारे कार्ड के हमें ही नहीं दे रहे, हमें भीख मांग रहे हैं साला। ऐसा नहीं सरकार है क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो रहा है, और अगर कहीं ज्यादा करेंगे तो 8 दिन के अंदर उसको यहाँ आना पड़ेगा। किनको? जो भी यहाँ का शासन का मौजूदा है। हाँ, आना पड़ेगा किसी भी कीमत में, जमीन भी मिलना पड़ेगा उसको। क्या बोल रहे सर? ये तो इतना है कि हम बताएं, कोरोना काल में मरते मरते बचे हैं सर, आप देखते हो हम वृद्ध हो चुके हैं, कहने का मतलब हमारे जैसे लोग भी मरते मरते बचे। नहीं, लेकिन ये तो इतना हमको स्वास्थ्य विभाग में काम कराए, साथी चले गए, माने हम 18-18 घंटा काम करते थे सर, बिना सैनिटाइजर के, बिना मास्क के, कोई कभी आज तक से एक आध बार दिया होगा मास्क, इनके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी नहीं दिया गया। ऐसा तो हुआ है सर, कोई इनके अधिकारी बता दे, कुछ नहीं। मैं यहाँ तक से बताऊँ सर कि मैंने एक कविता लिखा था छत्तीसगढ़ का, लोगों को जनमानस में लाया, और सुना दीजिए, आज दिल की बात बोलिए। हाँ, बोल के बोलिए। मैं सुनाया था सर, जिसका मूल्य नहीं हुआ। हाँ, और मैं पूरे प्रदेश में प्रदेश सुन रहा है। कोरोना लजी तुम खेल जान समझो,
कोरोना लगा भाई खेल जान समझाओ, ये तीवती जान घुमाओ, ये तीवती जान घुमाओ, मन में गुनाह सोचाओ, मन में गुनाह सोचाओ। कोरोना लगो दीदी खेल जान समझाओ, कोरोना लगा भाई खेल जान समझाओ, भला हो जाए तोर कर ले समझदारी, चेता थे घर घर स्वास्थ्य कर्मचारी, भला हो जाए तोर कर लो समझदारी, चेता थे घर घर स्वास्थ्य कर्मचारी। एंटीजन कोरोना के आरटीपीसीआर के जांच ला करावो, जांच ला करावो। कोरोना लगा भाई खेल जान समझाओ। आप लोग के साथ ही खेल हो गया? हमारे साथ खेल हो रहा है सर, और हम लोग क्या घर घर जाकर हमारी मितानी से लेकर स्वास्थ्य करते हैं। एनएम दीदी क्या बोलती थी? जर बुखार खांसी में डॉक्टर ला दिखावो, लिखे दवाई तेला ध्यान से बने खावो। जर बुखार खांसी में डॉक्टर ला दिखावो, लिखे दवाई तेला ध्यान से बने खावो। अरे साबुन में हाथ धोके, साबुन में हाथ धोके सैनिटाइजर करो, सैनिटाइजर करो। कोरोना लगो दीदी खेल जान समझो, कोरोना लगा भाई खेल जान समझो। और असली बात है सर, दो लाइन का है सर। समूह में भाई दीदी जाके जन बैठो, आपसे गो बाट में दू गज दूरी रखो। समूह में भाई दीदी जाके जन बैठो, आपसे गो बाट में दू गज दूरी रखो। हो गया गड़बड़ हो गया। अरे बिन मास्क के जन निकलो, बिन मास्क के जन निकलो, घर में अपन रहो, घर में अपन रहो। कोरोना लगो दीदी खेल जान समझो। अच्छा ये खेल हो गया तो आप कह रहे हैं, आप लोग कोई नहीं समझे? अरे हमको क्या बता, सैनिटाइजर नहीं मिला सर, हम लेफ्ट डिविजन है, उसके बाद हमको ना सैनिटाइजर मिलता है ना ग्लव्स मिलता है। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, मैं सरकार की हकीकत को आपको बयान कर रहा हूँ। और ये क्या बयान कर रहे थे? वो अपना कुछ मनोरंजन का रूप में अपनी व्यथा रख रहे थे, मनोरंजन के रूप में। मुख्य रूप से है प्रदेश के सभी कर्मचारी और देश के, डीजल पेट्रोल बढ़ने के बाद से महंगाई से त्रस्त है। सरकार लगभग 3 साल इसके हो जाएंगे दिसंबर में शपथ ग्रहण। इन्होंने विधायकों के वेतन बढ़ाए हैं, निगम मंडल के अध्यक्षों को नियुक्त की है, सारे काम अपने फायदे वाले किए हैं। आप लोग के? हम लोगों के लिए कुछ नहीं। 12% महंगाई भत्ते में हमको पिछले 2 साल से लटकाए हुए हैं। नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा महंगाई में? 70-72 रुपए में जो हम पेट्रोल लेते थे 65-70 में, आज 100 रुपए क्रॉस कर दिया। मोदी सरकार को नकारा ये बोलते हैं, लेकिन उन्होंने 28% डीए की घोषणा कर दी। आप क्यों नहीं करते? आप 40 कर दीजिए ना, आप तो आज ज़्यादा अच्छे हैं मोदी से। आप 40 करिए ना, मोदी से ज़्यादा अच्छे हैं। आप तो बोलते हैं हम ज़्यादा अच्छे हैं, आप गड़बड़ है, नरेंद्र मोदी काम ठीक नहीं करता। भूपेश सरकार साबित करे ना, काम करके दिखाए ना, सिर्फ घोषणा वीर मंत्री बन से नहीं बनता। सुन लेते, इनका भी सुन लेते। छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी हमारे फेडरेशन के संयोजक आदरणीय अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में हमारी एक ही मांग है कि राज्य में 3 प्रकार का डीए नहीं होना चाहिए। हम सभी कर्मचारियों को 12% मिल रहा है, विद्युत वालों को 28% मिल रहा है, और जो आईएएस हैं जिसको भूपेश सरकार चलाते हैं, आईएएस लोगों और केंद्रीय सरकार के जो आईएएस पीएस और आईपीएस जितने भी अधिकारी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनने अपना वेतन बढ़ा लिया, डीए बढ़ा लिया। और आप लोग के बारे में कुछ नहीं सोचे, फाइल तक नहीं बढ़ाया, फाइल तक भी नहीं बढ़ा। हाँ तो अब भूपेश सरकार क्या करे, क्या करे? हाँ तो वही तो बोल रहा है ना, ये जो आईएएस बैठे हैं इनका वेतन 28% जो दिया है वो गलत दिया है, हमको भी एक साथ देना चाहिए, आदेश करना चाहिए, यही हमारी सर। दीदी का जरा सुनते हैं, बताइए। नहीं, समान रूप से करना चाहिए सर सरकार को, हम लोगों को भी 28% डीए देगा तो फिर हम लोग भी शांत हो जाएंगे पूरा। आप लोग कौन से विभाग में? शिक्षा विभाग से है। शिक्षा विभाग यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है? नहीं सर, ठीक चलते तो यहाँ क्यों आते फिर? बता रहे शिक्षा विभाग में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी। कोई बढ़िया नहीं है सर, नहीं है कोई बढ़िया नहीं है, बढ़िया रहते तो यहाँ नहीं आते, सुबह से ही आए हैं हम लोग। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? 28% डीए दे दे फिर हम लोग शांत हो जाएंगे। हम लोग भी चाहते हैं 28% डीए देना चाहिए सर को कर। बस मैं इतना ही बोलूँगी। आइए जरा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ तो क्या अनाउंस क्या कर रहे थे आप, जो है क्या बता रहे हैं? हम कह रहे थे सर कि हमको लगभग 3:30-4 बजे यहाँ से निकल के कलेक्टर कार्यालय की ओर जाना है,
और महंगाई भत्ते को लेके ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय को दे सुनेंगे जी सुनेंगे वो नहीं ये कलेक्टर का काम नहीं है ये काम मुख्यमंत्री का है लेकिन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंच जाए हमारी पहुंच जाएगी नहीं पहुंचेगी लग रहा है नहीं आवाज नहीं पहुंचेगी हम दोबारा पहुंचाने के लिए सशक्त आंदोलन करेंगे तब पहुंचेगी अभी आंदोलन का जो है ये तीसरा चरण है और इसके बाद 8 तारीख को हमारे संयोजक महोदय अभी थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे कि 8 तारीख को हमारा जो है क्या कार्यक्रम होगा 10 को क्या होगा और निरंतर ये कार्यक्रम जो है जारी रहेगा तब तक जब तक हमको महंगाई भत्ता नहीं मिल जाता है तब तक पूरा आंदोलन चलेगा जब तक नहीं हो जाता जब तक हमको 28% महंगाई भत्ता नहीं मिलता है तब तक आंदोलन चलेगा। तो आपको लग रहा है कि जो है कहीं पे कोई बात बनेगी? बात तो बनना है इसीलिए हम बैठे हैं बैठे नहीं रहेंगे आंदोलन करते रहेंगे। बैठने से जो है आज जो है हम एक सांकेतिक आंदोलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब करीब 10-12 राज्यों में जो है 28% महंगाई भत्ता लोगों को मिल रहा है केंद्र सरकार दे रही है आप अपने IAS अधिकारियों को दे रहे हैं आप बिजली विभाग के कर्मचारियों को दे रहे हैं इसी की तरह जो है हमें भी दिया जाए इस बात के लिए हम जो है सरकार को अपनी कर्मचारियों की आवाज़ पहुंचा रहे हैं और आवाज़ अगर मुख्यमंत्री तक अनसुनी होती है तो आंदोलन धीरे धीरे उग्र बढ़ होता जाएगा और जब तक जो है हमें महंगाई भत्ता नहीं मिलता तब तक जो है हम आंदोलन पे जो है डटे रहेंगे। नहीं बोल रहा आइए जरा जो है थोड़ा आओ ये बताइए जो है आप कौन से विभाग में हैं? शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग का हाल क्या है? बहुत खराब है क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग जी जान से अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं जैसे भी शासन का आदेश रहता है हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन महंगाई भत्ता क्योंकि अन्य जैसे लोगों के लिए महंगाई बढ़ रहा है तो कर्मचारियों के लिए भी बढ़ रहा है ना सबके लिए बढ़ रही है तो हमें जो समतुल्य जो महंगाई है अगर केंद्र 28% बढ़ा दिया तो हमारा भी बनता है तो पिछले 2 साल से कर्मचारी लोग 12% जो बढ़ा हुआ है वही को वही है आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो हर कर्मचारी त्रस्त है परेशान है। अच्छा महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? और मैं बहुत पड़ रहा है बहुत क्योंकि बजट जो एक सीमित होता है कर्मचारी का आय का स्रोत मात्र वेतन है हमसे संवाद और उस वेतन में ही हमें चलाना है हम है ना जब सारे चीजें जब बढ़ रहा है गैस हमें पेट्रोल है और जितने भी राशन की सामग्री है बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है ना एक कर्मचारी का तो वही आय का स्रोत केवल वही है। कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन में हूँ मैं हेडमास्टर है जी हाँ अभी तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर बच्चों को भी देखना है और कोरोना को भी थामना है और वो महती जिम्मेदारी हम हेडमास्टर और टीचरों को दिया गया है जी हाँ। स्कूल ठीक ठाक चल रहा है? जी बिल्कुल अच्छा चल रहा है शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हम लोग स्कूल संचालित कर रहे हैं जी हाँ सैनिटाइज करके बच्चों को 50% स्कूल बुला रहे हैं और ग्रामवासी जो है और शिक्षा समिति के लोग जो है सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनका कहना कि अगर किसी प्रकार का विस्तार होता है कोरोना में तो तत्काल स्कूल को बंद कर दिया जाए। अच्छा तो कुछ बीओ कहीं कहीं से पढ़ने को मिला बीओ लोग शिक्षकों के लिए एक्चुअल प्रधान पाठक वगैरह रख लिए या आदेश कुछ कुछ जगह पढ़ने मिला है अगर बच्चों के बीच कुछ कोरोना जैसी चीजें होती हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाएगा आप लोग के खिलाफ? हाँ शिक्षक के बताइए हमें बच्चा भी पढ़ाना है स्कूल मैनेजमेंट भी करना है और साथ ही अगर कुछ हो जाता है अनजाने वासी ऐसी चीजें हैं उसका तो कोई पकड़ है नहीं है ना अगर ऐसी कुछ हो जाता है मान लो मिस्टेक हुआ जो भी कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके जो सजा के जो मैंने जिसके खिलाफ हो गया वो सजा केवल शिक्षक के और प्रधान पाठक के खिलाफ। हाँ। ये तो बड़ा गड़बड़ है बहुत गड़बड़ है। शासन आदेश भी देता है कि अगर आपका पंचायत बॉडी और शिक्षा समिति अगर आपको आदेशित करता है कि स्कूल लगाइए तब तो आप स्कूल लगाइए अगर वो आदेशित नहीं करते हैं या निर्णय नहीं देते हैं तो आप स्कूल मत लगाइए। इसमें बताइए सर स्कूल अगर उनके आदेश पे निर्णय पे और शासन के आदेश पे हम स्कूल लगाते हैं भाई आदेश हमारा तो है नहीं शासन का आदेश है और ग्राम पंचायत और शिक्षा समिति के निर्णय पर स्कूल लगा रहे हैं तो उसमें किसी बच्चे को अगर कोरोना हो जाता है तो उसमें शिक्षक कहाँ से गुनाहगार हो गए? बच्चा आएगा या कोई कहीं से आ सकते हैं माना जा सकते हैं हम अपनी तरफ से सारी तैयारी जो भी सैनिटाइजर है और मास्क है सारे बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं चाहे 10 बार बोलो 20 बार बोलो लेकिन वो बच्चे मिक्स हो जाते हैं तो है ना तो ये दिक्कत है सर ये दिक्कत है और तमाम दिक्कतों के बीच काम कर रहे हैं। शुक्ला जी से जो है आखिरी सवाल लेते हैं
शुक्ला जी, आगे क्या सोच कर रखा है अभी? संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभी हम लोगों ने तय किया कि 8 तारीख को, 8 अगस्त को हम लोग प्रदेश के सभी माननीय मंत्रियों को फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाके ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम एक बड़ी महाबैठक करेंगे और उसमें हम कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। सभी लोग यहाँ पे तत्काल तय कर लिया है, लेके रहेंगे डीए तो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे अर्थात कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल झुकेंगे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं झुकेंगे, रुकेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं जी। 8 को होगा? नहीं, 8 को अभी हम ज्ञापन देंगे माननीय मंत्रियों को, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों को हम ज्ञापन देंगे और उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप सरकार के अंग हैं तो इसलिए हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखिए। 8 को नहीं होगी सुनवाई तो फिर आगे जारी रहे उसके, ये तो क्रम है हमारा। 8 को है, मैं मालूम है कि 8 को मंत्रियों से मिलने के बाद में 8 को कोई घोषणा नहीं हो जाएगी, लेकिन हमारा ये आंदोलन का एक चरण है, संवाद बनाने का चरण है। हम विधायकों की भी घेरेबंदी करेंगे, क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं वहाँ पे हमारी फेडरेशन की इकाइयाँ हैं, उनके प्रतिनिधि लोग हैं, वहाँ जा जाके वो उनको उनसे भी अनुरोध करेंगे और जब उसके बाद नहीं मानेंगे तो हम कोई एक महा आंदोलन करेंगे और उसमें अभी तो हम अभी 26-27 संगठन है, हम पूरे प्रदेश के जितने भी छोटे छोटे संगठन है, घटक संगठन है, शिक्षा कर्मियों के संगठन है, सबको लेके सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे जी। तो कर्मचारी नाराज है और आंदोलन का आगाज है। इस बातचीत को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कर्मचारी चाहते हैं कि 28% डीए केंद्र के समान छत्तीसगढ़ के राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको भी मिलना चाहिए और सरकार को जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।